नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और साथ ही गोरखपुर के गंभीरनाथ प्रेथा बता दी कि प्रेक्षा गृह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 20 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरित किए हैं। साथ ही कार्यक्रम में अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आपको बता दें कि 82 लाभार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। मेधावी छात्रों के बीच प्रोत्साहन पुरस्कार राशि भी वितरित किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य सहित होली की शुभकामनाएं दी है। और यह तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान आप देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लैपटॉप के साथ तमाम चीजें वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार बीजेपी बेटी पढ़ाओ प्राप्त हो रहा है। जब हम सब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को मां बाप या उनके लीगल जो अभिभावक थे उन्हें खोया था, उनको या जिन बच्चों ने अन्य बीमारियों से भी उस दौरान अपने अभिभावक को खोया था, ऐसे बच्चों की भी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और इस दौरान वे बच्चों को लैपटॉप देते हुए और साथ ही उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करते हुए नजर आए हैं। और बता दें कि लगातार सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर वे शिरकत करने गए हुए थे। और साथ ही बता दें आपको कि शोभा यात्रा में फूलों की पंखुड़ियाँ उखाड़ कर इसकी बता दें कि होली का उत्सव का शुरुआत किया जाएगा, जहां पर सीएम योगी यहां पर नरसिंह भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही सबको होली की बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे गोरखपुर। और लगातार बता दें कि यहां उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों को लैपटॉप दिया, होली की शुभकामनाएं दी है। और साथ ही बता दें कि विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम योगी हिस्सा लेते हुए नजर आए, सबके बीच वे होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और बता दें कि इस दौरान उन्होंने नाथ प्रेक्षा ग्रीक में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 20 महिलाओं को स्पोर्ट्स किट वितरित किए। और बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 82 लाभार्थियों को यहां लैपटॉप दिया गया है। और यह तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और आप तस्वीरों में देखिए इसको लेकर बच्चे कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और साथ ही उसको आगे बढ़ाते हुए तमाम चीज़ें करती हुई नजर आती है। और इस दौरान लैपटॉप वितरित भी किया गया है, क्योंकि बच्चों को लैपटॉप देकर और साथ ही स्पोर्ट्स किट देकर यह कहीं ना कहीं बीजेपी और योगी आदित्यनाथ बच्चों को आगे बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स के तरफ, क्योंकि महिलाएं आजकल स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, आगे आती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही ये तस्वीर आप देखिए कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे और पुरस्कृत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद हैं। बता दें कि तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता धनेश कुमार जुड़ गए हैं गोरखपुर से। और धनेश, ये अद्भुत तस्वीर जो गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बच्चों को उन्होंने लैपटॉप वितरित किया, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचे थे, उनका आगे का क्या कुछ और शेड्यूल था? क्योंकि ये भी खबर सामने आई थी कि वे होली खेलते हुए भी नजर आएंगे, तो क्या कुछ आगे का उनका शेड्यूल रहा? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं और सबसे पहले आज पहले दिन उन्होंने जो है गोरखनाथ दिग्विजय नाथ प्रेक्षागृह में उन्होंने जो है वहाँ पे 20 मंगल महिला दलों को जो है स्पोर्ट्स किट बांटे हैं। वहीं जो है उन्होंने 82 लाभार्थियों के लैपटॉप बांटे हैं, जिन बच्चों को पहले से ही चार जिन बच्चे कोई भी जो अनाथ हो गए थे बच्चे, उन 82 बच्चों को जो है लैपटॉप उन्होंने वितरण किया है। उनके उनको अभी उसके पहले उन लोगों को 4,000 रुपये प्रति माह भी जो पैसा उनको मिल रहा है। उसके बाद आज का कार्यक्रम रहा, सीएससी पे पहुंचे हैं, कुछ बच्चों को जो अन्नप्राशन भी वहां कराया उन्होंने। और आज अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका जो पांडे आता घंटाघर यहाँ वर्षों से चला रहा कार्यक्रम है, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तभी से यहाँ पे जो यहाँ जो होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि वहाँ शामिल होते हैं। वहाँ सभी को जो है होली की शुभकामनाएं देते हैं, सभी के साथ अबीर गुलाल की होली और फूलों की होली भी खेलते हैं। होलिका दहन का आज तो वहाँ कार्यक्रम होगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का कल का परसों का कार्यक्रम रहेगा, सभी जो गोरखपुर वासियों के साथ जो है और संघ के लोगों के साथ जो है बुधवार को वहाँ पे होली खेलेंगे अबीर गुलाल के साथ, जो कि लगभग कई वर्षों की पुरानी परंपरा है। संघ के लोग उपस्थित रहते हैं, बाकी बीजेपी कार्यकर्ता और जो है हजारों की संख्या में गोरखपुर वासी उनके साथ जो है होली रंग गुलाल अबीर के साथ होली खेलते हैं जी। लेकिन अद्भुत तो ये था, देखिए किस तरीके से सीएम योगी यहाँ पर स्पोर्ट्स किट भी वितरित करते हुए नजर आए। जिस तरीके से बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है हमेशा से ही, और लैपटॉप का वितरण करना, स्पोर्ट्स किट का वितरण करना, आजकल महिलाएं काफी स्पोर्ट्स में आगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक महिलाओं को आगे करने की ये कोशिश और महिलाओं के लिए जितने स्कीम ला रही है बीजेपी, उसको लेकर भी एक प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, क्यों? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला के प्रति जो है महिला सुरक्षा के प्रति अगर देखा जाए तो उन्होंने कई हेल्पलाइन भी उन्होंने चलाया हो और महिला सुरक्षा के लेकर जो है कई तरीके के जो हेल्पलाइन है उनके हर चीज खेल में भी महिलाएं कहीं पीछे न रह जाए। महिला को जो कहा जाता है कि पुरुष और महिला एक बराबर है, उनको दर्जा देने के लिए तो ये प्रदेश सरकार पूरी तरह तत्पर दिख रही है। और आज महिलाओं को जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के भी वितरण किया, जिससे कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है धन के अभाव में जो है खेल प्रतिस्पर्धा जो पीछे रह जाती है, खेल का जो है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को या बेटियों को जो है पूरी तरह से सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे वो खेल में हो चाहे कहीं भी, पूरी तरह प्रोत्साहन करते रहते हैं। आज उन्होंने भी स्पोर्ट्स 20 जो महिला मंगल दल उनको 20 लोगों को स्पोर्ट्स किट बांटा, 82 बच्चों को लैपटॉप बांटा, जो कहीं ना कहीं खेल में और पढ़ाई में और सुरक्षा में कहीं भी कोई प्रदेश सरकार कहीं पीछे नहीं रह रही है। बिल्कुल किसी तरीके से बेटियां जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कही जाती है, बेटी को पढ़ाओ की बात कही जाती है, तो सारी जो नारे हैं उनमें पूरी तरह से सफल दिखती आ रही है योगी सरकार जो है पूरी तरह से एकदम सुरक्षा की बात कही जाती है। लेकिन धनेश, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ नारे देने से ही नहीं होगा, हमें जमीनी स्तर पर उतरकर काम भी करना होगा। आप गोरखपुर में हैं, कितना योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, गोरखपुर के वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या योगी आदित्यनाथ इस मुहिम को, इस नारे को जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है और बोलती भी नजर आती है, क्या योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर अच्छा साबित हो पाए? क्योंकि अभी भी यूपी के कई ऐसे स्कूल हैं जहां की स्थिति बहुत ही बदतर देखने को मिलती है, और वहां को लेकर वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है धनेश? जी बिल्कुल, कहीं से जो है धन की अभाव ना रहता है, ना कोई भी सुविधाएं, सारी सुविधाएं प्रदेश सरकार की तरफ से सारी चीजें खुद समय समय पर निरीक्षण भी किया जाते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए कहीं कहीं गलतियां हैं, कहीं कमियां हैं, तो वो अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ी है, धन की कोई अभाव नहीं है। सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा आते हैं यहाँ पे, जनता दरबार लगती है, सारी चीजें जो भी दिक्कतें होती है सबसे मिलते हैं, सारी बातों को पूछते हैं, तो उनके तरफ से कोई कोर कसर नहीं रहता। लेकिन अगर कि कहीं भी कोई दिक्कतें आ जाए पढ़ाने में और बेटी बचाओ या बेटी
पढ़ा बेटी को बचाओ का नारा जो है उसी तरह से वो चाहते हैं उसको हो जाए, लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अधिकारियों में कमी पाई जाती है, अधिकारियों की कमी है। कहीं भी अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए, देखिए आज वो खुद आए अपने हाथों से सभी बच्चों को जो कोविड काल में अनाथ हो गए थे उनको पहले से ही 4,000 राशि मिल रही है। आज 82 बच्चियों को जो है लैपटॉप की अपने खुद अपने हाथों से उन्होंने बांटा, और अगर चाहते तो अधिकारियों के द्वारा दिलवा दे सकते, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो क्या अपने हाथों से उन्होंने वितरण किया। बिल्कुल, क्या इस दौरान सीएम जो कोविड में जो बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए कोई धनराशि दी गई है, क्या उनको भी उनके बच्चों के लिए उनके भविष्य के लिए भी कुछ योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, उनको पहले से ही 4,000 रुपए मिल रहे हैं हर महीने जो है उनको बच्चों को मिलते रहते हैं, और आज उन्हीं बच्चों को ही 82 बच्चे जो आए थे बच्चे जो अनाथ हो गए थे कोविड काल में उनकी भी जो है पहले सरकारों में जो भी होते थे, लेकिन ऐसे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अनाथ या हो चाहे कोई भी गरीब हो उनको उनके पढ़ाई के लिए उनके सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर और खड़े रहते हैं। उनको बुला करके योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से सभी 82 बच्चियों को लैपटॉप दिया, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कतें ना हो, स्पोर्ट्स किट जो किट बांटे गए हैं कि कहीं भी किसी धन के अभाव में या कोई भी कमी जो है के अभाव में जो है बच्चियां स्पोर्ट्स में पीछे ना रह जाए और किसी चीज में किसी पढ़ाई लिखाई में पीछे ना जाए। तो बात की जाए तो सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा और जो है रक्षा और पढ़ाई में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात कहीं भी दिक्कतें होती हैं तो ये अधिकारियों के ऊपर है, सारी जगह मुख्यमंत्री निर्देश देते रहते हैं, उससे कायम करना अधिकारियों का काम है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे और ये अद्भुत तस्वीर गोरखपुर से जहां पर वे बच्चों के बीच मौजूद नजर आए और इस दौरान लैपटॉप वितरित करते हुए नजर आए और साथ ही स्पोर्ट्स किट देते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने होली की भी बधाई दे दी। चले आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर की बात करते हैं जहां पर नगर गुलावटी के पास स्थित ग्राम भटोना में आयोजित होली मिलन समारोह में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के पशुधन दुग्ध विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेपी धर्मपाल सिंह ने शिरकत की है और उनके बाद आम जनों को संबोधित करते हुए नजर आए। भारतीय संस्कृति से संबोधित करते हुए हमारी जो जमीनी व्यवस्थाएं ऋषि और कृषि की है जिससे होली या दीपावली सभी पावन त्यौहार मनाए जाते हैं, इसको लेकर मंत्री जी अपनी बात रखते हुए नजर आए और साथ ही होली की पर्व एकता सामंजस्यता का पर्व है और साथ ही जिसमें लोक साहित्य को जीवित रखने के लिए काम सुंदरपाल तेवड़िया से ऐसे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। योगी सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में किसान हित के नकल बता दें कि नलकूपों के बिजली बिल माफ कर और सरकार के किसानों को एक नवीन सौगात दी गई है। क्या नाम है आपका? सुंदरपाल सिंह तेवड़िया, प्रदेश सह सृजक पंचायती राज प्रकोष्ठ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ मैं हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में। आज ग्राम भटौना में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? भटौना में होली मिलन समारोह हर वर्ष मनाया जाता है, लगभग 20 वर्षों से ये उत्सव मनाया जा रहा है और बड़े दूर दराज के लोग समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, हजारों लोग इकट्ठा होकर के होली का आनंद लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए प्रदेश शासन में दी गई 5 एकड़ भूमि के उपयोग में परिवर्तन को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें अब बता दें कि मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं एंटो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट आवश्यक पशत्रों के बाद से प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड करेगा जो कि स्वीकृत मानचित्र ट्रस्ट को प्राप्त हो जाएगा। ट्रस्ट के बताया है कि धनीपुर मस्जिद का निर्माण अप्रैल मई से प्रारंभ हो जाएगा और मस्जिद का समूचा परिसर विश्व का हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देगा।
लखनऊ में होली का त्यौहार आते ही बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया जनता के बीच पहुंचते नजर आए और जनता से अपील भी करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि होली का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाया जाए, साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती किसी को रंग ना लगाए, साथ ही होली के त्यौहार पर सड़क पर तेज गति से वाहन ना चलाए की बात भी लगातार कहते नजर आए। होली के अवसर पर लखनऊ पुलिस की तरफ से मैं सभी लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बड़ी शालीनता के साथ होली के उत्सव को मनाएंगे। किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ जोर जबरदस्ती ना करे रंग लगाने के लिए, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना करे कि सामने वाले व्यक्ति उन्हें डर समा जाए। देश में मुसलमानों के लिए जारी हुई एडवाइजरी, बता दी कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कहा है कि होली और शबे बारात एक के दिन होने पर अहम एडवाइजरी, एक दूसरे को धार्मिक जज्बातों का ख्याल रखना जाए, साथ ही शाम 5 बजे के बाद से मुसलमान कब्रिस्तान जाए और शबे बारात इबादत की रात है, आतिशबाजी ना करें, देश में तरक्की और अमन शांति की दुआ करें। पिछले साल की तरह इस साल भी शबरात और होली एक ही दिन यानी 7 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस मौके पर इस्लाम सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से शबरात की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें तमाम मुसलमानों से अपील की है और अपने हिंदू भाइयों से भी कि हर साल की तरह इस साल भी एक दूसरे के मजहबी जज्बात और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का एहतराम करें। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती, बता दें कि पुलिस और साथ ही नार्कोटेक्स डेवलपमेंट बाराबंकी की टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगभग 13,20,000 की कीमत में 4 किलो 400 ग्राम अवैध चरस के साथ ही 2 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों पर NTPS एक्ट के धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बाराबंकी नार्कोटेक्स डेवलपमेंट को मुखबिर की सूचना दी गई थी कि जनपद श्रावस्ती में थाना क्षेत्र मलहीपुर अंतर्गत मलही चौराहे पर स्थित बर्तन की दुकान में मादक पदार्थ रखा हुआ है, जिन्हें आधार पर मलहीपुर थाना अध्यक्ष रामपाल यादव और नार्कोटेक्स डेवलपमेंट की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दे दी है और तभी जनसेवा केंद्र के सामने खुले में लगी बर्तन की दुकान में बर्तन की हाल में सफेद पॉलिथीन मिली, जिसमें से दुकान में बैठे व्यक्ति इजराइल बेटे हसन मोहम्मद चरगवा सतीब जोर थाना नवाबगंज जनपद बहराइच को पकड़ा गया है। और बता दें कि अब खबर महोबा से है, जहां पर बाइक में आग लगने का एक मामला सामने आया है। आग लगने के कारण बाइक सवार कूदकर अपनी जान बचाते नजर आए, वहीं ग्रामीणों ने बहुत ही प्रयास के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। और यह तस्वीर आप देखिए महोबा की, किस तरीके से बाइक में आग लग गई है, बड़ी मशक्कत के बाद से आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया और पूरा मामला श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के पवा गाँव की बताई जा रही है। वहीं ADG प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस दौरान बताया है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हथियार बंद, बता दें कि लोगों ने फायरिंग की और साथ ही बम फेंकी है, साथ ही इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में लगे 2 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। इस घटना में सम्मिलित लोगों को, जिन लोगों ने अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे थे उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 24 फरवरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अरबाज, जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था घटना के दिन, उसकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी तथा इसका एक साजिशकर्ता सदाकत 27 फरवरी को जेल भेजा गया था। स्थानीय स्तर पे सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 पहले, फिर बाद में उस इनाम राशि को 50,000 बढ़ा के किया गया था तथा उसमें से 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 2.5 लाख का इनाम पुलिस महानिदेशक के द्वारा
5 मार्च को किया गया है। वही बांदा के शहर मुख्यालय के अशोक लाट स्तंभ में बैठे पीड़ित परिवार की अनशनकारी, पीड़ित महिला की हालत खराब हो गई। इसके बाद से आनन फानन में समाज सेवी श्वालिनी पटेल ने एम्बुलेंस बुलाकर जिले में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर पीड़ित को इलाज के लिए भेजा गया है। वही मामला शहर कोतवाली अंतर्गत अशोक लाट अनशन स्थल का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश तिवारी। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि नरेनी विधायिका उमड़ी वर्मा जी द्वारा जबरन हमारा मकान वो लेना चाहती, नहीं दे रहे तो अपने गुर्गों से, अपने जो तथा कथित उनके प्रतिनिधि ओम प्रकाश पांडे, मेरे पिता जो 100% विकलांग है, उनके साथ मारपीट की है। सर हम थाने में शिकायत करने गए, हमारी शिकायत नहीं लिखी गई। बांदा में कांग्रेस पार्टी ने LIC बता दें कि शाखा प्रबंधक के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने बता दें कि LIC बीमा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। बता दें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि LIC बीमा कंपनी को बेचने से रोका जाए, जहां गरीबों का पैसा जमा है, जो मरते दम तक पैसा देते हैं। और यह तस्वीर जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नोएडा में महिला से गाली गलौज के बाद से चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी आज पूर्व मंत्री बता दें कि बादशाह सिंह से मिलने के लिए महोबा पहुंचे, और जहां उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अपने साथ चर्चा की है, और इस दौरान BJP पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। वो उन्होंने कहा है कि वे पूतना और साथ ही सुपनेखा का सम्मान नहीं कर सकते। BJP ने षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। और साथ ही बता दें आपको कि श्रीकांत त्यागी महोबा पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने BJP को जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वे पूतना और सुपनखा का सम्मान नहीं कर सकते, BJP ने षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते नजर आए हैं। रंगों का त्यौहार होली की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में सभी लोग होली की तैयारी में जुट गए हैं। अपने अपने घरों में बता दें कि लजीज व्यंजन के साथ पकवान बनाने का सामान खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ही लोग समाज में हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करते नजर आते हैं। ऐसे एक व्यापारी हैं जिन्होंने समाज सेवी उमेश अग्रहरी आज होली के पहले गोरखपुर के वृद्ध आश्रम पहुंचे, और वृद्ध आश्रम में उन्होंने वृद्धजनों को होली का त्यौहार को लेकर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और इस दौरान उन्होंने आश्रम में 10 पंखे भी सपोर्ट किए हैं, जिससे वृद्धजन जो गर्मी से परेशान रहते हैं वो अब परेशान ना हो सकें। हरदोई में आगामी होली के पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी की द्वारा शहर के इलाकों में विभिन्न स्थानों पर बता दें कि होलिका दहन स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते नजर आए। SP ने त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर मनाने की अपील की है, और साथ ही अराजकता फैलाने वाले को नसीहत देते हुए नजर आए, और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, अगर किसी तरह की कोई अफवाह की सूचना मिलती है तो स्थानीय प्रशासन तुरंत अवगत कराए। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र में एक नहर के माइनर में एक नवजात बालिका का शव बता दें कि मिला है, जिसके बाद से लगातार इसको लेकर पुलिस अब शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भेज दिया है। हरियावा थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव के पास ये नहर है, और यहां पर एक नवजात का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये बच्चा किसका है इसको लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। पीलीभीत में होली पर्व को लेकर विधायक ने जनता दरबार लगाया है, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, और साथ ही जनता की बता दें कि होली पर्व को लेकर शुभकामना भी देते नजर आए हैं। वहीं क्षेत्र में आकस्मिक मृत्यु के बता दें कि मृत के परिवारजनों को भी वो शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।